नमस्कार दोस्तों, स्टडी में वैकेंसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम UIT 939 से रिलेटेड बात करेंगे। उसमें एक इम्पोर्टेंट आपका नोटिस निकल के आ रहा है, जिसमें कि डिपार्टमेंट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया है। जो JIT 939 में जितनी भी वैकेंसीज हैं आपकी, तो कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज आप ब्रेकअप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें जो एम्पावरमेंट ऑफ SC OBC माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड, इसमें जनरल की 4 सीट्स हैं, OBC की एक है और SCUR की एक है, टोटल 6 है। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपकी जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है। नेक्स्ट हमारे DC सोलन में जनरल की एक है और टोटल भी एक है। प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज में आप देख सकते हैं EWS की एक है, OBC UR की भी एक है, SCUR की भी एक है और टोटल 3 है। सेटलमेंट ऑफिस शिमला में आप देख सकते हैं जनरल की 3 है और टोटल भी 3 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं जनरल की एक पोस्ट है, OBC की भी एक है और टोटल 2 है। प्रोसिक्यूशन में जनरल की 3 है, EWS की एक है, OBC UR की एक, OBC BPL की भी एक, SCUR एंड SC BPL की भी एक है, टोटल 8 हमारे पास वैकेंसीज है प्रोसिक्यूशन में। इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं जनरल में 3 है और बाकी टोटल आप पढ़ सकते हैं 6 है। रूरल डेवलपमेंट में भी एक है और यहाँ पे भी एक है और टोटल 2 है हमारी। उसी तरह से बाकी और डिपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनरल में देखने को मिल रही हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में, जिसमें जो यहाँ पे 11 है और टोटल यहाँ पे 24 है। और उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी 6 और टोटल 15 है। और उसी तरह से अगर आप टोटल वैकेंसीज देखें जनरल UR की, तो वो 37 है यहाँ पर आप देख सकते हैं। EWS की आपके पास 10 है और बाकी अदर कैटेगरीज़ की आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। OBC UR की अगर देखें तो 14 है, SC UR की देखेंगे तो 12 है और ST UR की देखेंगे तो 2 है हमारे पास। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो फॉर्म होता है, ये आपकी जो DV जो है सितंबर में होने वाली है 903 पोस्ट कोड की, उसके लिए आपको ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना होता है। और इसमें यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे मान लीजिए मनीष है तो मनीष लिख देंगे यहाँ पे, आई मनीष हैव सीन द डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट ऑफ JIT 939 03 एंड डू हेयर बाय ओपन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो यहाँ से आपको प्रेफरेंस भरने होती है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट आपको 15 के 15 भरने होते हैं। और उसके बाद जो आपको डिपार्टमेंट पसंद है, पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, और फिर 15 के 15 भरने होते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, डेट, पोस्ट, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी भरनी होती है। और उसके बाद कई लोग जो पूछते रहते हैं कि MRC फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ये है हमारा MRC फॉर्म, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा है आपका MRC मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी देखी जाए, तो मान लीजिए वैसे तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में है सबसे ज़्यादा वैकेंसी, लेकिन आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे DC शिमला में कोई लेना चाहता है, DC शिमला आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, 2 जनरल की वैकेंसीज हैं इसमें और एक हमारी वैकेंसी आप OBC UR में देख सकते हैं। देखिए ये पे एक OBC UR में और एक जनरल में। अब मान लीजिए कि DC शिमला सभी की टॉप प्रेफरेंस थी, तो मान लीजिए अगर किसी के मार्क्स, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे किसी के 50 मार्क्स थे, वैसे तो कट ऑफ के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के ऐसे 50 मार्क्स थे और 50 मार्क्स से ऊपर सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स थे हमारे, ठीक है, तो उनको DC शिमला मिल जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। लेकिन अगर कोई मान लीजिए अगर कोई 3 कैंडिडेट्स आपके 50 मार्क्स से ऊपर थे, उसमें 2 जनरल के थे और एक OBC का था मान लीजिए, तो मान लीजिए OBC वाले को वहाँ से जनरल से एक पोस्ट नहीं मिली, तो अब अगर उसने MRC फॉर्म नहीं भरा होता तो उसे और कोई वैकेंसी जो जनरल की होती वो वहाँ से मिल जाती। मान लीजिए उसकी सेकेंड प्रेफरेंस थी HP बॉस, तो उसे HP बॉस मिल जाता। लेकिन अगर उसने MRC भरा होता तो OBC कैटेगरी में टॉपर था, तो उसे DC शिमला मिल जाता। तो इसी तरह से आप MRC का यूज़ केस समझ गए होंगे कि अगर आपको जनरल से वो पोस्ट नहीं मिल रही है और आपको वही डिपार्टमेंट चाहिए या वही पोस्ट चाहिए, वही कॉरपोरेशन बोर्ड चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो आपको कैटेगरी से मिल जाएगी अगर कैटेगरी में आप उतने मार्क्स पे हैं। फिर आपको यहाँ पे भर देना होता है और सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, डेट और पोस्ट, और ये जो नीचे है ये आपके जो जब इवेल्युएशन में इंडिविजुअल लेटर होंगे वो यहाँ पे साइन कर देंगे। तो यही था आपका आज का फॉर्म। और इसमें आपको कुछ समय पहले आपको पता भी था कि 83 वैकेंसीज थी शायद, तो एक डिक्रीज़ भी हुई थी
या फिर कुछ इंटरचेंजिंग हुई थी, जनरल में आ गई थी कुछ पोस्टें या जनरल से कुछ गई हुई थी, तो वो आपने नोटिस पहले ही देख चुके होंगे। तो ये इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।